सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। जोहान्सबर्ग टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास, बने 10 महान रिकॉर्ड। आज शनिवार 27 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जोहान्सबर्ग टेस्ट के चौथे दिन का खेल खेला गया। दिन की शुरुआत मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 17-1 के आगे से की थी। चौथे दिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही बढ़िया रही। पहले सत्र में टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया, मगर इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। टीम इंडिया ने के गेंदबाजों ने न सिर्फ टीम को मैच में वापस ला खड़ा किया, बल्कि मैच भी जीतवा दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 177 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया जोहान्सबर्ग टेस्ट पूरे 63 रनों से जीतने में सफल रही। इसी के साथ यह फ्रीडम सीरीज भी यही समाप्त हुई और साउथ अफ्रीका 2-1 से जीतने में सफल रही। आइए डालते हैं एक नजर चौथे दिन के खेल में बने कुछ अहम रिकॉर्ड्स पर। एक, दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर टीम इंडिया की यह सिर्फ तीसरी जीत रही, पहली 2006 और दूसरी 2010। दो, दक्षिण अफ्रीकी सरजमी पर टेस्ट मैच जीतने वाले विराट कोहली टीम इंडिया के सिर्फ तीसरे कप्तान रहे। विराट कोहली से पहले राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। तीन, पार्थिव पटेल के चोटिल होने के कारण दिनेश कार्तिक को मैदान पर विकेट कीपिंग करते देखा गया। पूरे 8 साल के एक लंबे अंतराल के बाद कार्तिक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए कीपिंग करते नजर आए। चार, डीन एलगर ने दूसरी पारी में शानदार 86 रन बनाए। टीम इंडिया के खिलाफ एलगर का यह पहला अर्धशतक और सबसे बढ़िया स्कोर भी रहा। पाँच, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दूसरी पारी में काबिले तारीफ बॉलिंग करते हुए मात्र 28 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। 6, टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने तीसरी बार 5 विकेट हॉल बनाया। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पहली बार 7 एशिया के बाहर बतौर कप्तान विराट कोहली की यह पहली जीत रही, इसमें वेस्ट इंडीज के आंकड़े शामिल नहीं है। 8, भुवनेश्वर कुमार पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी रहे जिन्होंने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं की सरजमी पर एक टेस्ट सीरीज में 100 प्लस रन और 10 प्लस विकेट लिए। 9, ऐसा पहली बार देखने को मिला जब टीम इंडिया घर से बाहर खेलते हुए पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अंतिम टेस्ट जीतने में सफल रही हो। 10, टीम इंडिया विश्व की पहली ऐसी टीम बनी जो आज तक जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर स्टेडियम पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी, इस मैदान पर टीम की यह दूसरी जीत रही, 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।